नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वॉन्डर में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक। दोस्तों, आज तक आपने 3D, 4D और 5D जैसे वॉलपेपर देखे होंगे और सुने होंगे। क्या आपने कभी लिक्विड वॉलपेपर का नाम सुना है या कभी उसे देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा और ना मैंने सुना था। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ लिक्विड वॉलपेपर के मैन्युफैक्चरर के पास। स्क्रीन पर आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल इस जगह की मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पे आके जुड़िएगा ज़रूर। बाकी अगर आपके कोई सुझाव हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें लिख भेजिए। अगर आप हमारी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिए। तो अब बात करते हैं इस जगह के ओनर से और लेते हैं सारी जानकारी डिटेल में। प्रोडक्ट मेरे लिए भी बहुत नया है और डिफरेंट है। आई होप जिस तरह मैं एक्साइटेड हूँ उस तरह आप भी होंगे। तो वीडियो को शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप यहाँ पे आके जुड़ सकें। तो अब चलते हैं और लेते हैं सारी जानकारी डिटेल में। सो लेट्स गो। दोस्तों, मेरे साथ हैं मिस्टर प्रिंस चौधरी जी, जो कि ओनर हैं सिल्क ब्लास्ट के। चलिए इनसे जानते हैं इनकी जगह के बारे में। सर, अपनी जगह के बारे में कुछ बताइए मुझे। कब से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या है ये लिक्विड वॉलपेपर का कॉन्सेप्ट? हम पेंट लाइन में 30 साल से लगभग जुड़े हुए हैं जी। और 2016 में हमने सिल्क प्लास्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। ऑल ओवर इंडिया हमारी सिर्फ एकलौती यूनिट है सिल्क प्लास्ट की। और ये आप लोग होलसेल में काम करते हैं, रिटेल में काम करते हैं, क्या करते हैं? हमारा होलसेल रिटेल दोनों में काम है, हम अपने साइट्स भी लेते हैं। अच्छा, और प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो जो एंड कस्टमर पे प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो कितने तक पहुंच रहा है, और जो होलसेलर है वो आपसे अगर जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? हमारा एंड कस्टमर तक प्राइस 1800 से रेंज स्टार्ट होके 4000 तक जाती है, और डीलर प्राइस वगैरह के लिए हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा उन्हें। ओके, और अगर कोई मान लीजिए होलसेल में इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है और इसके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है तो क्वांटिटी का कुछ लेवल है कि इतने पीस लेने पड़ेंगे, इतनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी तभी हम लोग काम करेंगे, या क्या है? इनिशियली तो सबके लिए ऑप्शन है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। बाकी एक अच्छे लेवल पर अचीव काम करने के लिए उसके लिए फिर क्वांटिटी टारगेट सब कुछ फिक्स है। अच्छा, ये प्रोडक्ट बना किस चीज़ से है, इसमें वैरायटी क्या क्या होती है, और इसकी सर्विस वगैरह जो है वो कैसे मिलती है, उसके क्या अलग कारीगर होते हैं या क्या होते हैं? ये सिल्क कॉटन का मेन मिक्सचर है, इसमें अलग अलग जैसे माइका भी, किसी किसी शेड्स में माइका भी है, अलग अलग सिल्क है, कुछ लग्जरी प्रोडक्ट है एक्चुअली ये। सिल्क प्लास्ट इजी एप्लीकेबल प्रोडक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लगाना, नॉर्मल पेंटर लोग लगा लेते इसे, इजी एप्लीकेबल है। इसको लगाने के लिए वॉल प्लेन होनी चाहिए, और अगर डैमेज नहीं है तो पुट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट से प्राइमर लगा के इसके सिल्क प्लास्ट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिंगल कोट प्रोडक्ट है। और ये घर में जैसे पेंट लगाते टाइम घर में गंदगी हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बारी में आके लेबर लगा देगा, कोई गंदगी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और इसकी गारंटी वारंटी क्या होती है ब्रदर प्रोडक्ट की? मतलब है तो पेपर ही, तो अगर बात करूँ, अगर मान लीजिए दीवार में मेरी सीलन है तो ये प्रोडक्ट टिकेगा तो नहीं शायद, क्या है गारंटी वारंटी क्या है, और पानी से कैसे इसे बचाया जा सकता है? इसकी गारंटी आराम से 5 साल से ऊपर जाएगा, 5 साल तक इसे कुछ नहीं होना और आगे भी कुछ नहीं होगा इसकी। और इसमें कुछ भी मेंटेनेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल अगर धूल मिट्टी बैठ जाए तो आप साफ़ कर सकते हैं वो ब्रश से। अच्छा। और सीलन के लिए अगर क्या होता है, जैसे टेम्परेरी सीलन आती है बारिश के मौसम पे, तो उसमें ये सही टिक जाएगा, जैसे सीलन आएगी इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, पर सीलन जैसे ख़त्म होगी साथ के साथ ये भी बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा, ये अपने आप सूख भी जाता है फिर? हाँ जी। ओके, और इसकी जो सर्विस है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसकी सर्विसिंग वगैरह आउट ऑफ स्टेट भी प्रोवाइड कराते हैं? दिल्ली से बाहर भी अगर किसी को ये अब प्रोडक्ट लगवाना है अपने घर में तो उन तक कारीगर पहुंच पाएगा, और ख़र्चा क्या आता है थोड़ा कुछ जानना चाहूँगा। हाँ, हमारा ऑल ओवर इंडिया हम सर्विस देते हैं, हमारा कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया अपना एप्लीकेटर चला जाएगा और जाके अप्लाई करके आ जाएगा। और सूखने में कितना टाइम लेता है ये, और इंस्टॉल अगर किसी को करवाना है आउट ऑफ दिल्ली तो वो आप पहुंचा देंगे कहीं पे भी, है ना? और प्रोडक्ट की आपने जैसे बताया, प्रोडक्ट भी अगर एक सिंगल पीस भी किसी को रिटेल में लेना है तो वो कैसे मिल पाएगा?
अगर सिंगल पीस किसी को चाहिए तो या तो डायरेक्ट हमसे ले सकते हैं, वरना अमेजोन पे भी हमारी सारी वैरायटी है अवेलेबल। सूखने में इसका ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे अभी दिल्ली का जो टेम्परेचर चल रहा है इसके हिसाब से आराम से 12 घंटे में सूख जाता है, और बाकी इसमें जो 24 to 48 hours मेंशन है इसके अंदर सूख ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं लिक्विड वॉलपेपर के बारे में प्रिंस ने बता दिया है, कैसे वो काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट है, कैसे कैसे वो आप तक मिल पाएगा। अब बारी है प्रोडक्ट देखने की, लिक्विड वॉलपेपर आखिर में है क्या, कैसे उस ये प्रोडक्ट आप तक पहुंच सकता है। तो वीडियो को शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। अशोक भाई, हमारे पास 200 से ज़्यादा शेड्स हैं, तो अभी सबकी तो मैं सैम्पलिंग दिखा नहीं पाऊँगा, पर हमारे पास कुछ शेड्स हैं और ये उनकी पैकिंग है। ओके, ठीक है। इस तरह बन के आता है आपका लिक्विड वॉलपेपर। हाँ जी, और ये रेडीमेड पैक है, बस इसमें पानी मिलाओ और अप्लाई कर दो। ये जो हमारे पीछे है ये वही है लिक्विड वॉलपेपर। क्या प्राइस रेंज है और कैसे कैसे लोगों तक ये पहुंच पाएगा? इसकी प्राइस रेंज 1800 से स्टार्ट होके 4000 तक जाती है। ठीक है, ठीक है। और इसमें गारंटी वारंटी जो आपने मुझे बताई 5 साल तो मिल ही रही है। हाँ जी, अमेजोन में ये प्रोडक्ट ऑनलाइन कोई भी खरीद सकता है, कहीं पर भी मंगवा सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद और क्या डिज़ाइन है और क्या मटीरियल होने वाला है? मटीरियल अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है? मटेरियल में अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे किसी में कॉटन मिक्स होता है, कोई 100% सिल्क है। ठीक है, सब अपनी अलग 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 वैरायटी है, सब अलग है एक दूसरे से। ठीक है, इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस 2100 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग कलर आपको इजीली मिल सकते हैं, कलर की ये इस कलर। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन सा पैकेट है और कौन कौन से कलर हैं? ये देखिए। अच्छा, ये डिज़ाइन है आपका। ठीक है, और इसमें क्या प्राइस रेंज दे रहे हैं अभी फ़िलहाल? रिटेल वाली आप बात कर रहे हैं ना, होलसेल में तो कोई क्वांटिटी लेगा तो उसे डेफिनेटली थोड़ा कम प्राइस में ही मिलेगा, तो रिटेल में क्या प्राइस है इसका? इस वाले शेड का रिटेल प्राइस 3000 है। अच्छा, ओके। ये हमारा नया अभी निकला हुआ है कैटलॉग। ओके, बहुत बढ़िया। ये लिक्विड वॉलपेपर का दोस्तों पूरा पैक आता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस पानी मिलाना है और इसे अप्लाई कर देना है दीवार पे। ठीक है, इसके बाद और कोई कलर है और कोई डिज़ाइन है वो भी देखना चाहूँगा, और भी पैकेट रखे हुए हैं आपने। क्या प्राइस है इसका? इसका 3500 है। अच्छा, ये फिर थोड़ा हाई क्लास और लग्जरी में चला जा गया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कौन कौन से मिक्स है इसमें? इसमें ये 100% सिल्क है। अच्छा, ये 100% सिल्क है। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही यूनिक ये पैकेट है, और ये अमेजोन में आपको ईजिली मिल जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया तो डिलीवरी आप डायरेक्ट भी कोई आपके पास आएगा तो वो मिल जाएगी। हाँ, ये क्या रखा हुआ है आपने, ये क्या चीज़ है? ये हमारा इसी से एप्लीकेशन होता है। अच्छा, ड्रॉवल है, स्टील ड्रॉवल। ठीक है, ठीक है, ये बाकी ऑनलाइन भी मिल जाता है, चाहे तो आप हमसे भी ले सकते हैं। तो क्या प्राइस रेंज देते हैं इसकी आप लोग एंड कस्टमर को? इसकी 600 rupees प्राइस है। अच्छा, 600 rupees में ही मिल जाएगा ये, इसको अप्लाई करने के लिए है। हाँ जी, दीवार में। ठीक है, इसके बाद अब मैं चाहूँगा आप मुझे कुछ कैटलॉग दिखाएं और बताएं कि क्या क्या प्राइस रेंज है और कौन कौन से मटेरियल हैं इसमें। ये मल्टी सिल्क का कैटलॉग है। ठीक है, ठीक है। इसमें टोटल 21 शेड्स है। ओके, और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो कितने से है इसकी शुरुआत? ये 1900 की है सर। अच्छा, ये 1900 के डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या है? इसके बाद हमारे पास है ये SPY कोड का कैटलॉग है। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए। इसमें कितने कलर हैं? इसमें 24 कलर्स हैं। ठीक है, प्राइस कितने से शुरू है इसका? इसका 1800 से। रिटेल की बात कर रहे हैं? हाँ जी। होलसेल में क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी किसी को लेना है तो? मान लीजिए अगर किसी को बल्क क्वांटिटी लेनी है तो मिनिमम कितनी बल्क क्वांटिटी आप पे काम करेंगे? आप बल्क क्वांटिटी के लिए आपको हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, वो अलग अलग एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज काम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद और कौन सी कैटलॉग है और क्या प्राइस है उसका? मटीरियल भी मुझे साथ साथ बताते चलिए कि मटीरियल कौन कौन से हैं। ये हमारा ये एक न्यू कैटलॉग निकला है। ठीक है, इसमें 18 शेड्स है। ठीक है, ठीक है। और प्राइस क्या शुरुआत है इसकी? इसकी भी 2000 अप्रोक्स है। पर पैकेट की बात कर रहे हैं आप? ठीक है। आउट ऑफ स्टेट आप लोग जब डिलीवर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो जो उसका डिलीवरी चार्ज होता है वो प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है या वो फिर अलग से देना पड़ेगा किसी को? इंक्लूड है। वो इंक्लूड है, मतलब वो आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए? जो प्राइसिंग बताई है मैंने उसमें वही। इसके बाद ये वाली कैटलॉग भी देखना चाहूँगा,
क्या है, कौन कौन से डिज़ाइन है? ये SE वाला कैटलॉग है, ये भी नया है इसके साथ। ठीक है, इसमें कितने कलर हैं और क्या प्राइस रेंज से शुरू है ये? इसमें भी 18 कलर्स है और सेम प्राइसिंग है इसकी। अच्छा, सेम प्राइसिंग पे शुरू है। अशोक भाई, मैंने आपको सैंपल दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया जी। अब ये हमारे थोड़े ऊपर सैंपल्स लगे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एप्लीकेशन करा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहूँगा कैसे इसको एक्चुअली लगाना है, कैसे यूज़ करना है, मैं देखना चाहूँगा। बिल्कुल। तो अशोक भाई, ये हमारा प्रोडक्ट है सिल्क प्लस लिक्विड वॉलपेपर। ये 1 kg की पैकिंग है। मैं आपको इसका थोड़ा रफ इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ, बाकी जब इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन होता है उसमें प्लेन वॉल प्लस प्राइमर कंपलसरी है। ठीक है, एक वैसे पैकेट में कितनी वॉल अपनी कवर हो सकती है लिक्विड वॉलपेपर की? अपने 50-70 स्क्वायर फीट आ ही जाता है, वो अलग अलग शेड्स में डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम करते हैं। ठीक है, तो सर मैं चाहूँगा आप मुझे बताएं कैसे काम करता है और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या होने वाला है? पहले पैकेट कट करके मटेरियल निकालेंगे, मैं थोड़ा सा निकाल के आपको जैसे ट्राई कराता हूँ। ये हमने बाउल में निकाल दिए, अब इसमें वाटर ऐड करेंगे। एक पैकेट में 5-6 लीटर पानी ऐड करना पड़ता है, और इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा कि पानी ना ज़्यादा हो जाए ना थोड़ा कम हो जाए। अब इसे मिक्स करना है वाटर और थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप मटेरियल हो जाए जब लगे वाटर एक्यूरेट है। इसे हमें आटे की तरह गूंदना है एक टाइप से जी, जी, जी। और जब तक इसमें पानी और मटेरियल सही से मिक्स ना हो जाए एक दूसरे से, तब तक इसे मिक्स करना है। और इसको रेस्ट कितनी देर तक रखना है, अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट को कितनी देर तक रेस्ट रखने के छोड़ना है? इसे 45 मिनट से एक घंटे तक काफ़ी रहेगा कि इसको रेस्ट करना। हाँ जी, इसे मिक्स करने के बाद रेस्ट रखना है ताकि इसमें जो भी अंदर ग्लू है सही से फैल जाए। ओके, हमारा मटेरियल रेस्ट कर चुका है, अब वीडियो के लिए ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करा सकते, तो अभी ऐसी रफ आइडिया आपको लगा के एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो बोर्ड है इसमें प्राइमर आपने अभी करा रखा है या फिर ये सिर्फ ऐसे ही? अभी नहीं, अभी प्राइमर नहीं कराया है, ये रफ इंस्टॉलेशन है। जब आपको दीवार पर कराना होगा अपने घर पर तो प्राइमर इज़ कंपल्सरी। और उसमें कौन सा वाला, ऑयल वाला प्राइमर कराना है या वाटर वाला? वॉल पे कराना है, वॉल या सीलिंग पे तो वाटर बेस्ड प्राइमर, और बाकी प्लाईवुड टाइप सरफेस है तो उसमें ऑयल बेस्ड प्राइमर। ठीक है, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अप्लाई करके मुझे दिखाएं कि कैसा रिजल्ट देता है। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए पहले थोड़ा सा मटेरियल लेना है और उसे मैक्सिमम जितना स्ट्रेच हो पाए उतना खींचना है, इससे इसकी एरिया थोड़ी ज़्यादा आएगी। ठीक है, और इसको कम से कम कितना टाइम चाहिए सूखने के लिए? इसको सूखने के लिए आप 24 घंटे बोल सकते हैं, बाकी क्लाइमेट पे मेन डिपेंड करता है। 24-48 आवर्स में 100% सूख जाएगा। और इसका जब रिजल्ट आता है वो कम से कम 24 घंटे के सूखने के बाद ही बेस्ट आउटपुट आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, गारंटी वारंटी की आपने मुझे बात बताई है, कम से कम भी 5 साल ये कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनल आउटपुट, एक छोटा सा डमी भैया ने हमें बना के दिखाया है कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है। वाकई में बहुत नया प्रोडक्ट है लिक्विड वॉलपेपर, ना आपने कभी सुना होगा ना कभी सोचा होगा, मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगा आप लोग यहाँ पर आएँ और जुड़िए ज़रूर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सकता है उतना शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी जो जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है, एड्रेस फ़ोन नंबर सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पे आके जुड़िएगा ज़रूर। अगर आपके कोई सुझाव हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक भेजिए हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, वहाँ पे आपको आपकी क्वेरी का तुरंत रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो इस फैमिली को बढ़ाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का पार्ट बनिए। बाकी आज के लिए मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा, मिलूँगा अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।